So hey guys, good morning, my name is your boy Fame Shire. मैं हूँ Flame of Fire. So नया दिन नई उम्मीद और नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ मैं और आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉग में, ब्लॉग नहीं वीडियो में. तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइबर हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और आप एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. तो बिना देरी के शुरू करते हैं. तो ये वीडियो होने वाली है ओनली यूट्यूबर्स के लिए. तो यूट्यूबर्स जो मेरे जैसे आप भी चालू किए हैं यूट्यूब चैनल, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ. तो फर्स्ट पॉइंट, यूट्यूब पे वीडियो बनाए ऐसे, मतलब किस कैटेगरी में बनाए. तो मैंने भी शुरू किया था टिकटॉक से, शुरू किया था, अभी चालू नहीं है. तो टिकटॉक से मैंने शुरू किया, वहाँ मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा था, कुछ हो नहीं रहा था. फिर टिकटॉक बैन हो गया, आप सभी को पता है. तो मैं आ गया एक हफ्ते के बाद मैं आ गया यूट्यूब पे. तो दोस्त ने बोला चल चालू कर, तुझे जो आता है चालू कर. तो मुझे आती थी शायरी, तो मैंने शायरी शुरू की, वो भी ऐसे वैसे नहीं. फर्स्ट पॉइंट, कैटेगरी सिलेक्ट करो, पहली दिमाग में ही बैठा लो आपको क्या आता है. क्या आता है आपको? शायरी आती है, ड्रॉइंग आती है, टेक्निकल कुछ भी ज्ञान आता है. टेक्निकल मतलब मोबाइल रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाना आता है, एडिटिंग का वीडियो बनाना आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाना आता है, कुछ भी खाने का, कुछ भी. दुनिया में बहुत से टाइप्स हैं, आप कुछ भी बना सकते हो, पर ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, वो भी खुद के फेस वैल्यू के साथ. फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या आता है कैटेगरी सिलेक्ट करो, फिर वीडियो बनाओ. दूसरी बात, एडिटिंग, वीडियो में एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए. मतलब कि अभी समझो आप स्लो मोशन कर रहे हो तो उसमें फास्ट स्लो शेप मूवमेंट इफेक्ट्स वो डालना आना चाहिए. अगर वो छोड़ो, वो बात अलग. अगर आपको शायरी आती है तो शायरी में इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, फेस पे मतलब ग्लो आना चाहिए, फेस वैल्यू आपकी बढ़नी चाहिए. ना कि कुछ भी कचरा पोस्ट किया है, इस शायरी इधर डाली, उसकी शायरी इधर डाली, पबजी वाला वीडियो पोस्ट किया, ऐसा नहीं. नाम आपका यूट्यूब पे है पर फेस वैल्यू नहीं है, फिर कुछ भी फायदा होगा ही नहीं. क्योंकि आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए, नाम आपका है तो आप दिखना चाहिए. जैसे कि मैं, अभी नाम मेरा है तो मैं इस वीडियो में दिख रहा हूँ, तो आप मुझे देख रहे हो, ना कि कुछ फालतू का वीडियो नहीं देख रहे हो. थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन, कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी. मतलब अभी आपने यूट्यूब चैनल चालू किया, 5-6 वीडियो अपने फेस वैल्यू के साथ आपने पोस्ट किए, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे. क्या भाई लाइक नहीं आ रहे, कुछ हो नहीं रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी रीच नहीं है. मेरी भी रीच कम थी. अभी 100 सब्सक्राइबर हो गए, लगता है तो हो गए. क्योंकि कुछ भाई है जो सब्सक्राइब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देते हैं, बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं. ऐसे मत करो. अगर मैंने आपका सब्सक्राइब किया है तो आप भी करो. सपोर्ट और सपोर्ट ही मिलेगा, वरना एयरपोर्ट ही मिलेगा. तो चलो, फर्स्ट कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए. आपने वीडियो चालू किया, वीडियो बना रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो आप धीरज रखो. ऐसा फर्स्ट से कोई हो नहीं जाएगा फेमस जैसे ही है. आपने देख लिया, ये तो टिकटॉक पे होता है, इस पे भी होता है, ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब पे भी होता है, पर आपको फेस वैल्यू बढ़ना चाहिए. फिर आपको डीमोटिवेट करने के लिए बहुत से सारे दुनिया में लोग हैं, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे. अरे भाई क्या यूट्यूब चला रहा है क्या तू, कुछ पढ़ाई कर, काम पे जा. हाँ भाई वो तो कर रहा हूँ, उससे कुछ हो नहीं रहा, नौकरियाँ नहीं मिल रही,
कोरोना है बाहर, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या यूट्यूब चालू करेंगे? समय लगेगा, ऐसा नहीं कि फट से हो गया और स्टार बन गया यूट्यूब का, ऐसा नहीं, लगने दो आराम से। जॉब भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और यूट्यूब भी करेंगे, ऐसा नहीं कि ओनली यूट्यूब। तो यूट्यूब चालू करो, डरो मत, फैमिली सपोर्ट नहीं करती रहने दो, फ्रेंड्स तो सपोर्ट करते हैं, वो भी नहीं सपोर्ट करते तो खुद पे ध्यान दो, खुद मोटिवेट हो, खुद से मोटिवेट हो। जैसे कि मैंने शुरू किया, चार कुत्ते भूखते, भूखने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुद का कंटेंट होना चाहिए, खुद की वॉइस में ना एक कचरा पोस्ट करो, कंसिस्टेंसी रखो, वीडियो एडिटिंग अच्छी रखो, वीडियो क्वालिटी अच्छी रखो। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी चलेगा, अच्छा मोबाइल लो, मेहनत करनी है, फेमस होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ भी करो, आप अब फेस वैल्यू जब तक दुनिया को नहीं पता चलेगा तब तक आप फेमस नहीं हो पाओगे। तो मोटिवेट हो, खुद से मोटिवेट हो, इन सब बड़े बड़े मोटिवेशनल को मत सुनो, खुद पे ध्यान दो, मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। कुछ तो कर सकते हो, अच्छा बनाओ कंटेंट, अच्छा बनाओ, कुछ भी आता हो, अगर आप इस दुकान से उस दुकान जा रहे हो तो उसका वीडियो बनाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक डालो, अच्छा सा एक फेस ग्लो, एक अच्छा इफेक्ट डालो, वॉकिंग वीडियो बनाओ, कुछ मत, मतलब कचरा पोस्ट ही मत करो, आप खुद पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में कर देना।